इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन पर समाज विरोधी तत्व गड़बड़ी कर सकते हैं, तो ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदर्शन में कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। और नीतीश कुमार की यह खबर है कि जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसे में अब आंदोलन पर अलर्ट जारी हुआ है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि इसमें जो समाज विरोधी तत्व हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो समाज विरोधी तत्व हैं, कौन लोग हैं, क्या ये किसान आंदोलन में ही शामिल है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो किसान जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां जमा है, उसके बीच में कुछ उसमें एंटी सोशल एलिमेंट, समाज विरोधी तत्व पेनिट्रेट कर गए हैं और ये लोग उन्हें भड़का कर उनके जरिए या खुद सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जो कानून व्यवस्था की समस्या है, वो खड़ा कर सकते हैं। इस बाबत तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भेज दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। जी बिल्कुल, तो ये नीतीश बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं कि कोरोना के फैलने के खतरे के बीच ये किसान आंदोलन जारी है और कई पार्टियां इसको समर्थन भी दे रही है। इस बीच नीतीश हमारे सहयोगी बड़ी खबर बता रहे थे कि जो समाज विरोधी तत्व हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं सरकारी संपत्ति को।